हमने कंप्लीट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को दो वीडियोस में कवर किया है और उन दोनों ही वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए, आपका अच्छा सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका आभार। अब से हम क्या करेंगे, एडीआर के एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स को समझेंगे। इससे उन दो वीडियोस में जो टॉपिक्स रह गया है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे और जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कंप्लीट आईपीआर का नोट्स टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एडीआर के ऊपर पहला वीडियो है जिसमें हम इस पर्टिकुलर टर्म विच इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसे समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 को इंट्रोड्यूस किया गया। राइट, चलिए देखो, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 को हम शॉर्ट में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कहते हैं। दिस पर्टिकुलर एक्ट इज नोन एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब यहीं से आपको एडीआर क्या है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव का मतलब है समथिंग विच इज सेकेंडरी या अनदर थिंग। डिस्प्यूट का मतलब क्या है, मैटर। डिस्प्यूट का मतलब क्या है, एक ऐसा मैटर जिसे एक पार्टी एजर्ट करती है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है और दूसरा पार्टी उसे डिनाई करता है, तो वो क्या है, डिस्प्यूट है। और रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूट, प्रॉब्लम ऑफ एनी डिस्प्यूट। क्या हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म अदर देन कोर्ट, कोर्ट के अलावा कोई दूसरा, कोई सेकेंडरी प्लेटफॉर्म जो कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की तरह ही एक्ट करता है और इसके जो प्रोसीडिंग्स होते हैं वो मान्य होते हैं, जहां आप अपने डिस्प्यूट को सेटल करा सकते हो इजीली, कम समय में। उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म इज अ सेकेंडरी प्लेटफॉर्म विच इज नॉट अ कोर्ट, जो कोर्ट नहीं है लेकिन जहां आप अपने डिस्प्यूट को, अपने मैटर को रिजॉल्व करा सकते हो और वो कोर्ट की तरह ही इफेक्टिव होगा, मान्य होगा। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। राइट, क्या हम कह सकते हैं सीकिंग जस्टिस आउटसाइड द कोर्ट दिस मैकेनिज्म इज नोन एज एडीआर। यही मैकेनिज्म क्या है, एडीआर है। इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ फाइंडिंग जस्टिस
through judicial proceeding. It is what? It is additional platform where you can opt for justice, जहां आप न्याय के लिए जा सकते हो. An alternate or secondary method to settle your dispute outside the court, apart from court, known as alternative dispute resolution. तो इसे आप अपने वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, राइट? अब क्या ADR के थ्रू जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, क्या वो किसी मैनर में हमारे कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को ओवरराइड करते हैं, अफेक्ट करते हैं? नो, दिस डज नॉट अफेक्ट द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एनीवे, बट सप्लीमेंट एंड एडिशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग. ये क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग के एडिशन में है, साथ साथ में है. अब जैसे मान लो, जब हम सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करते हैं, अब जैसे मानो कि ये है आपका कोल्ड ड्रिंक, ये है आपका कोका कोला, और ये है आपका थम्सअप. तो इन केस मान लो मार्केट में कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक है उसका शॉर्टेज हो गया, तो लोग कहां शिफ्ट कर जाएंगे? थम्सअप पर शिफ्ट कर जाएंगे. हम जानते हैं कि ऑलरेडी कोर्ट्स में इतना बर्डन ऑफ केसेस है कि कोर्ट क्या करती है, एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने में सालों लग जाता है. तो देयर इज ऑलरेडी क्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, भारी भीड़ है हमारे कोर्ट में. तो जिस तरह से कोका कोला ना होने की वजह से आप थम्सअप की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हो, तो थम्सअप इज वॉट? इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कोका कोला. तो क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी भीड़ है, देर इज पेंडेंसी ऑफ लैक ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ लैक ऑफ केसेस. अब हर कोई चाहता है कि उसका जो डिस्प्यूट है, उसका जो मैटर है, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, ताकि कोर्ट कचहरी का चक्कर उसे ना काटना पड़े. तो वो कहाँ जा सकते हैं? वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म. तो हम क्या कर दिए? हमने शिफ्ट कर दिया. वी हैविंग टू ऑप्शंस अवेलेबल, या तो हम कोर्ट में जाएं, या तो हम ADR के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करा लें कम समय में, ठीक है? तो ये है क्या, इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. नाउ कौन कौन से मैटर्स हैं जो ADR के थ्रू सॉल्व कराए जा सकते हैं? तो सिविल मैटर, कमर्शियल मैटर, फैमिली डिस्प्यूट्स, जिसे आप मैट्रिमोनियल केसेस कहते हो, दीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ADR. क्या हम क्रिमिनल मैटर्स को ADR के थ्रू रिजॉल्व करा सकते हैं? नो, ओनली सिविल मैटर्स, ओनली कमर्शियल मैटर्स, ओनली फैमिली डिस्प्यूट्स आर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ ADR. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, व्हाई देयर इज नीड फॉर ADR. Why we need additional platform where we can go for justice? So, need for ADR, alternative dispute resolution. देखो क्या कह रहे हैं, करेंटली देर इज लैक ऑफ पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट्स. हम जानते हैं हमारे कोर्ट्स में लैक ऑफ पेंडिंग केसेस हैं, लाखों केसेस हैं जो कई सालों से पेंडिंग हैं, जिनका डिस्पोजल अभी नहीं हुआ है.
और इसके पीछे कई रीजंस हैं, ठीक है। कोर्ट्स यूज्ड टू फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ व्हिच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू डिलीवर जस्टिस। कोर्ट्स क्या करते हैं, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं जस्टिस डिलीवर करने के लिए, और दोनों ही पार्टीज को इनफ अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है कि वो अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख सके। क्योंकि हम जानते हैं कि देर इज प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो कोर्ट क्या करती है, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए दोनों ही पार्टीज को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज देती है कि वो अपनी बातों को रख सके। तो इट इज व्हाट, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कोर्ट जस्टिस तभी देती है, यानी डिस्पोजल ऑफ केसेस तभी होता है जब जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने भी एविडेंसेस होते हैं दोनों ही पार्टीज के द्वारा, वो कोर्ट में पेश कर दिए जाएं। तो ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कोर्ट के द्वारा, एक तो ये टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है, एफर्ट्स भी जाता है दोनों पार्टीज का, राइट। और जो केसेस हैं वो सालों साल से चलते रहते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन्हें तुरंत सॉल्व कराना ज़रूरी होता है। अगर इन्हें तुरंत सॉल्व नहीं कराया गया तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए, सिविल मैटर्स हो गए, जॉइंट वेंचर्स हो गए। तो ये जो मैटर्स हैं इन्हें तत्काल प्रभाव से रिजॉल्व कराना ज़रूरी होता है। अगर इन्हें तुरंत रिजॉल्व नहीं कराया गया, जैसे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए जो लार्ज स्केल पे होते हैं, तो इससे हमें हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांस में आप कोर्ट के अलावा एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो जो कि पूरी तरह से कोर्ट तो नहीं है लेकिन उसका जो प्रोसीडिंग है वो बहुत हद तक कोर्ट की तरह ही वैलिड है, और वहाँ आप अपने डिस्प्यूट को तत्काल प्रभाव से रिजॉल्व करा सकते हो। और कोर्ट के स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, टाइम टेकिंग प्रोसीजर से बच सकते हो, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन और सिनारियो वन कैन ऑप्ट फॉर ADR मैकेनिज्म फॉर क्विक एंड ईजी सेटलमेंट ऑफ सिविल, कमर्शियल एंड फैमिली डिस्प्यूट विदाउट नॉकिंग कोर्ट्स डोर, ठीक है। ADR बेसिकली एक अल्टरनेट और एक कन्वेंशनल मेथड है। आप आसानी से ADR के थ्रू अपने डिस्प्यूट को कम समय में, इमीडिएट इफेक्ट से, कम पैसे में रिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन केवल सिविल, कमर्शियल, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से आप रिजॉल्व करा सकते हो, क्रिमिनल मैटर्स आर नॉट एंटरटेन थ्रू ADR, ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या है, पहला, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कोर्ट। कोर्ट में ऑलरेडी लाखों पेंडिंग केसेस हैं। अगर सपोज करो ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी लाखों पेंडिंग केसेस हैं और भी आते। जस्टिस डिलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड, ये कॉन्सेप्ट होता। कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता। अग्रीव्ड पार्टी को स्पीडी रिलीफ नहीं मिल पाता। इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता क्योंकि कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स
तुरंत प्रभाव से रिजॉल्व नहीं हो पाते, बिजनेस अग्रीमेंट तुरंत प्रभाव से रिजॉल्व नहीं हो पाते, और कोर्ट जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है वो टेक्निकल होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसीजर स्टैब्लिश किया जाता है वो एक आम इंसान भी आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो ये है बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। नाउ एडीआर का क्या प्रोविज़न है लॉ में, उसे ज़रा समझ लेते हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग एडीआर इन लॉ। देखो, पहला सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी 1908 प्रोवाइड्स। तो हमारा सीपीसी का जो सेक्शन 89 है उसमें एडीआर के बारे में बात किया जाता है, और इसमें कहा जाता है इफ कोर्ट प्रिज्यूम्स दैट देयर एग्जिस्ट अ डिस्प्यूट व्हिच इज लाइकली टू बी सेटल्ड आउटसाइड देन कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन फॉर्मुलेट द पॉसिबल वेज ऑफ सेटलमेंट एंड कैन रेफर द केस टू बी रिजॉल्व थ्रू एडीआर। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी क्लियरली ये कहता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो डिस्प्यूट है इसे आसानी से एडीआर के थ्रू रिजॉल्व कराया जा सकता है, तो कोर्ट उन मैटर्स को एडीआर रेफर कर सकता है। दूसरा क्या है, हमारा एक्ट है हमारे पास आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। जिसे हिंदी में आप कहते हो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। और तीसरा हमारे पास लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विसेस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो ये क्या है, ये वो लॉज हैं जहां एडीआर का प्रोविजन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखो, हमने जाना कि हम एडीआर के थ्रू अपने डिस्प्यूट को आउटसाइड द कोर्ट सेटल करा सकते हैं, किन मोड्स के थ्रू करा सकते हैं। तो एडीआर में बेसिकली 5 मोड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हो। देर आर 5 मोड्स अंडर एडीआर थ्रू विच यू कैन रिजॉल्व योर डिस्प्यूट, और वो 5 मोड्स क्या क्या हैं। पहला, 5 मोड्स ऑफ एडीआर। पहला आर्बिट्रेशन, दूसरा कंसिलिएशन, तीसरा लोक अदालत, नेगोशिएशन, और पांचवा मेडिएशन। तो क्या हम कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 दो मोड्स ऑफ एडीआर के बारे में बात करता है, एक आर्बिट्रेशन और दूसरा कंसिलिएशन 1996। ठीक है, तो दीज आर 5 मोड्स ऑफ एडीआर, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन, मेडिएशन, और इन 5 मोड्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसे मैंने
अपने पूरे एफर्ट्स के साथ ईजिएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोज़ किसी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।